हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वी चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे आपने देखा कि वेंडरेशन का बताने वाला हूं मैं आज आपको। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं वो टेंडर के ऊपर थे कि टेंडर कैसे सर्च करना है। बहुत सारी वेबसाइट मैंने रिव्यू करी हुई है गवर्नमेंट की, तो भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें टेंडर सर्च को करना तो पता चल गया, अभी आप वेंडरेशन के बारे में बताइए कैसे वेंडरेशन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आज का वीडियो ये इसके लिए स्पेशल है। तो वीडियो को जानने की तरफ जाने से पहले जो मेरे नए व्यूवर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे वेंडरेशन करते हैं और वेंडरेशन क्या होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि टेंडर आपको सर्च करना तो अभी आ गया रहेगा, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर अभी ये भी बता दो कि वेंडरेशन कैसे करना है और क्या होता है एक्चुअली। तो आज की वीडियो में हम लोग वो देखेंगे कैसे रहता है वेंडरेशन और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग सबमिट करना पड़ता है। तो बहुत सिंपल है वेंडरेशन। वेंडरेशन आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मैं एक एडमिशन लेना है, जैसे हम लोग कॉलेजेस में या फिर स्कूल में कुछ एडमिशन लेते हैं, इसी प्रकार का एक एडमिशन प्रोसेस रहता है। अब जब भी आप कोई भी कंपनी में अपना डिटेल्स सबमिट करोगे, लाइक उसमें आपको बहुत सारी चीजें को ध्यान रख के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, इट्स अ काइंड ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे आप मानो आपका एक कंपनी है और आप बिजनेस स्टार्ट किया है, तो गवर्नमेंट में कैसा है रूल है कि आपको उसका सब डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, लाइक कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, सब आपका एक शॉप लाइसेंस है आपके पास, या फिर MSME सर्टिफिकेट है, या फिर कोई भी आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बोल सकते हैं आप, वो आप सबमिट कर सकते हो। बेसिकली 4 to 5 डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपको जो मैं बता रहा हूँ कैसे क्या सबमिट करना है, पैन कार्ड होता है, GST होता है और करंट अकाउंट होता है। ये चार चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या सबमिट करोगे मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपको देना है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास शॉप लाइसेंस है तो शॉप लाइसेंस, जिसमें आपका कंपनी का नाम दिखना चाहिए। अभी बहुत सारे फ्रेंड ऐसे मुझे पूछ रहे हैं कि सर अभी हमारा कंपनी नेम नहीं है तो हम इंडिविजुअल काम कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताता हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो इंडिविजुअल या ट्रेडर, तो आप प्लीज एक बार गोमास्ता लाइसेंस, या फिर जो गोमास्ता लाइसेंस बंद हो गया है, बट ऐसा कुछ प्रूफ चाहिए आपको कि आपका कंपनी नाम एस्टेब्लिशमेंट दिखना चाहिए गवर्नमेंट में कि आपका कंपनी फॉर्म है। ओके, तो वो आपको एक सबमिट करना है, उसमें आपको देना है आपका जो कंपनी का नाम दे दिया, तो उसमें कंपनी में आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो तो आपका नाम आएगा, कंपनी ओनर में कौन सा नाम है, लाइक सब आप कॉन्टेक्ट पर्सन में देना चाहते हो तो आपका उसमें आपको अपना नाम देना है जो भी आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो। कंपनी में तो ऑफकोर्स उसमें तो MD रहते हैं, या फिर जो भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स वाले जो भी कमर्शियल डिपार्टमेंट रहते हैं उनका नाम आता है, तो इंडिविजुअल में आपका नाम जाएगा, उसमें आपका नाम, उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID। तो ये हुआ फर्स्ट कंपनी इन्फॉर्मेशन देना है आपको। सेकेंड में आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड आप इंडिविजुअल कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ये कोई भी आपका कंपनी है, तो आपको जो आप कंपनी का नाम रख रहे हो उसी नाम से आपको पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट में वेरिफिकेशन होता है कि आपने जो दिया है कंपनी नाम और जो पैन कार्ड है वो मैच होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप अपना पैन कार्ड नहीं दे सकते, आपको इंडिविजुअल एक पैन कार्ड बनाना पड़ेगा उसके लिए सेपरेट एक कंपनी के नाम पे। ओके, तो ये हो गया पैन कार्ड का डिटेल्स। थर्ड में आता है GST। GST अभी सब बाकी सारे जो भी टैक्सेस थे वो तो अभी नहीं रहे, तो जैसे CST हो गया, VAT रह गया, तो वो तो नहीं है, तो अभी GST सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी आप गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें GST बहुत इंपॉर्टेंट है। तो GST में आपको सर्टिफिकेट आएगा, लाइक प्रोविजन सर्टिफिकेट आएगा, वो आपको प्रोवाइड करना है। ये हो गया सेकेंड डॉक्यूमेंट्स। ओके, फर्स्ट हो गया कंपनी इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड, GST थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होना चाहिए आपके नाम पे, अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हो कोई भी बिजनेस तो आपको करंट अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा, या फिर कुछ भी आप में इसमें ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ करंट अकाउंट चाहिए। आपको जो भी आप टेंडर आपको मिलेगा तो उसका ट्रांजेक्शन होने के लिए आपको करंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, करंट अकाउंट हर बिजनेसमैन के लिए लगता है, तो आपको करंट अकाउंट मस्ट है। और फिफ्थ जो पॉइंट है आपका ईमेल ID। ईमेल ID आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कंपनी के नाम से कोई वेबसाइट बनाई है तो आपको कंपनी के नाम से मतलब ईमेल ID आपको इजीली फ्री मिल जाते हैं, तो आप यूज करते हैं। अगर आपके पास नहीं है, तो मानो आपके पास अपनी कंपनी नहीं खोली है, तो आपने डोमेन नहीं बनाया है, लाइक वेबसाइट नहीं बनाई है कोई, तो कोई टेंशन नहीं है ऐसा, आप अपना Gmail ID भी दे सकते हो जो आप एक पर्टिकुलर कंपनी के नाम से आप नाम लेके आप ओपन कर सकते हो। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है एक्चुअली,
ईमेल आईडी में आपको जो ईमेल आईडी दोगे उसका पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड बहुत ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी टेंडर आएंगे आपके ईमेल आईडी पे आएंगे नोटिफिकेशन। तो प्लीज प्लीज गाइस, फिफ्थ नंबर का पॉइंट है ईमेल जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, बिकॉज जो भी आप पासवर्ड रिसेट करोगे या फिर उसमें यूजर आईडी डालोगे, सब आपका डिटेल जो भी रहेगा टेंडर का डिटेल्स, वो सब आपके ईमेल आईडी में आएगा, रजिस्टर ईमेल आईडी में। ओके, ये हो गए 5 डॉक्यूमेंट जो कि आपको ध्यान में रखने हैं आप एक अगर आप टेंडर भर रहे। तो टेंडर भरने में क्या, आप जब भी आप ये सब डॉक्यूमेंट लाइक सबमिट करोगे तो आपके पास एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड आएगा आपके ईमेल आईडी में, रजिस्टर ईमेल आईडी में। एक बार आपको वो मिल गया तो आप टेंडर भर सकते हो। बट टेंडर भरने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक चीज लगती है उसको बोलते हैं डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो आपको होना बहुत जरूरी है। वो आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको बता देता हूं। एक सिंपल है, बहुत सारी कंपनीज अभी आपको डीएससी बहुत चीप रेट में प्रोवाइड कर रही है, लाइक 1,000-1,500-2,000 में आपको डीएससी मिल जाएगा जो कि आपको चाहिए। ओके, तो आप वो करवा लेना अपने कंपनी के नाम से, और इसमें आपका जो अंदर नेम रहेगा वो आपका होना चाहिए। लाइक सपोज आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या फिर कोई कंपनी है, तो इसमें आपको नेम अंदर ऑप्शन रहता है कि डीएससी किसके नाम पे है। तो डीएससी में आप लोग जो इसमें 1, 2, 3 क्लास रहते हैं, आपको 3 क्लास यूज करना है। क्लास 3 ये टेंडरिंग के लिए यूज होता है, तो आप वो क्लास 3 का डिजिटल सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसका वैलिडिटी रहता है 1-2 ईयर, जैसे आप लोगे 5 ईयर्स से तो आपको रिन्यू करना पड़ता है एवरी लाइक जैसे उसने पीरियड दिया रहेगा वैसे। तो ये डीएससी आप करोगे तो अपने सब डॉक्यूमेंट एक बार कलेक्ट कर लिए, सब कुछ हो गया आपके पास, डीएससी आ गया, करंट अकाउंट आ गया, आपका कंपनी का इन्फॉर्मेशन आ गया, सब कुछ डिटेल आपने एक बार कंपाइल कर लिया, तो उसको उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे। रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने में हमने ऑलरेडी एक IOCL पे और एक ई प्रोक्योरमेंट में वीडियो बनाया हुआ है। सबसे ज्यादा टेंडर आते हैं ई प्रोक्योरमेंट और सेकंड में आते हैं IOCL पे। IOCL पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिखा है, आप जाके उसमें देख सकते हैं कि कैसे वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने, बहुत सिंपल है। जैसे आप जीमेल में कोई अकाउंट ओपन कर लेते उससे भी अच्छा सिंपल ये है वेंडर रजिस्ट्रेशन। तो ओके, तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट आपने उसमें ध्यान नहीं देना है। अभी हमें काम करना है, काम स्टार्ट करना है, तो IOCL से आप स्टार्ट कर लीजिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। और ई प्रोक्योरमेंट में, ई प्रोक्योरमेंट ऐसा वेबसाइट है जहां पे 267 कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको कहां से भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई मुझे काम कहां से आएगा, फिर टेंडर कहां से ढूंढू। तो एक सिंपल आप ई प्रोक्योरमेंट एक रजिस्टर कर दोगे जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको टेंडर सर्च करने में बहुत आसानी हो जाएगी, आपको टेंडर मिल भी जाएगा। जैसे आपको कैटेगरीज है, लाइक सपोज आप में हार्डवेयर में कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी आप ट्रेडिंग में तो कोई भी आप लाइक इक्विपमेंट उठा सकते हो, तो उसमें आपको सर्चिंग में बहुत आसानी होते हैं। और उसमें दिन के कम से कम 100 टेंडर निकलते हैं, तो 100 टेंडर में मेरे फ्रेंड्स आपको एक तो मिल ही जाएगा आपके रिलेटेड। तो ये था पूरा डिटेल वेंडरशन के लिए, अगर आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए अच्छे से। मेरे आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं IOCL का, वो एक बार देख लीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो गाइस, आपको मैं डीमोटिवेट नहीं करूंगा, मोटिवेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी। तो आप मोटिवेट करने के लिए ये बोला कि आप जो कॉमन लोग है तो टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसकी वजह से क्या होता है जो बड़ी कंपनीज है वही टेंडर विन करती है। अगर आप बोलोगे आप सर मेरे पास लाइक मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, तो एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे टेंडर्स हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती, वो ओपन कैटेगरीज में आते हैं जो फर्स्ट यूजर को मिल जाते हैं। तो टेंडर में सिंपल सा फंडा होता है, जिसका प्राइस कम होता है उसको टेंडर मिल जाता है। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ रहेगा कि वेंडरशन प्रोसेस क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि एडमिशन प्रोसेस है, तो आप समझ लो कि आप एडमिशन करने जा रहे हो अपने आप का। तो फ्रेंड्स प्लीज एक बार जाके IOCL वेबसाइट देख लीजिए, ई प्रोकर वेबसाइट देख लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स 5 बोले हैं वो रेडी करके वेंडरशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपका वेंडरशन आ जाएगा और आप टेंडर भरने के लिए रेडी हो जाओगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स कर लीजिए। आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए डीएससी के रिलेटेड, टेंडर कैसे करना है, अगर आपका नया कंपनी है तो शुरुआत कैसे करनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।